Hello students, welcome back to Geometry School. In this video, we will be continuing the mathematics question of Scenic School Examination 2021. I have already uploaded two parts. If you haven't seen them, then go watch them first. This is part number 3. So, let's start the video. Coming to question number 21. The value of 125 to the power minus 1 by 3 is... ठीक है, हमारे पास क्या है 125, इसकी पावर क्या है माइनस 1/3। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। हमको पता है 125 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 होता है, इसका मतलब 5 का क्यूब। ठीक है, तो 125 को हम क्या लिख लेते हैं, 5 का क्यूब। ठीक है, और इसकी पावर क्या है माइनस 1/3। ठीक है, अब हमको पता है a की पावर p की पावर क्यों, इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर p q। ठीक है, पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 × -1/3। ठीक है, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या -1। 5 की पावर क्या बची, -1। ठीक है, और 5 की पावर -1 क्या होगा, 1/5। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 to the power 2/3 होल टू द पावर 1/2। ठीक है, हमारे पास क्या है 64 to the power 2/3 और होल टू द पावर 1/2। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, a की पावर p की पावर क्यों है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर p क्यों, पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 64 की पावर 2/3 × 1/2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा 64 की पावर 1/3। ठीक है, अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 क्या होता है, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16 × 4 क्या हो जाएगा 64, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 3। ठीक है, तो 64 को क्या लिख लेंगे हम, 4 की पावर 3। ठीक है, और होल की पावर क्या है, 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 × 1/3। ठीक है, फिर से पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये क्या बचा 4 की पावर 1, ये क्या होगा 4। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 to the power -2 + 1/3 to the power -2 + 1/4 to the power -2। ठीक, हमारे पास क्या है 1/2 to the power -2 + 1/3 to the power -2 + 1/4 to the power -2। ठीक है, तो पावर माइनस में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इनवर्स हो जाता है जब भी, अगर हमारे पास है a की पावर माइनस पी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर p। ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 + 3 की पावर 2 और प्लस 4 to the power 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16। अब 16 + 9 = 25 और 4 = 29। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन 29। नेक्स्ट हमारे पास द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, किसी भी इंटीजर में जीरो ऐड करो तो वो क्या रहेगा, इंटीजर सेम रहेगा। ठीक है, जैसे 2 + 0 क्या हो जाएगा 2, या फिर -3 + 0 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, होल्ड्स विदाउट जीरो, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, ए बी सी। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी करो और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई करो बी मल्टीप्लाई सी से। ठीक है, इसके इक्वल आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बी सी 3 इंटीजर ले लेते हैं, मान लीजिए 2, -3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 × -3 करते हैं पहले, और × 4, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 2 × -3 × 4। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में है, तो 2 × -3 क्या होगा -6 और × 4 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 2 × -3 × 4 क्या होगा -12। ठीक है, तो 6 − 6 × 4 क्या होगा -24 इज इक्वल टू 2 × -12 क्या होगा -24। तो ये क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई विश टू टेल यू अबाउट अवर प्लेटफॉर्म दैट इज ज्योमेट्री स्कूल।
आप दो तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं ज्योमेट्री स्कूल, ठीक है। तो ये वाला लोगो वाली जो ऐप होगी, ये वाला जो लोगो है, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा वहां पे, वो वाली ऐप आपको डाउनलोड करनी है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउजर से www.geometryschool.in पर भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सैनिक स्कूल या फिर नवोदय स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज वहां पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। पेड कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगी जिसमें सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। और क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगी, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। फिर मिक्स क्विज भी मिलेंगी जिसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चनों को मिक्स करके दिया जाएगा। फिर सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होंगे। और आप एक प्रीमियम टेलीग्रुप भी ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, डेली आपको टाइम टेबल वगैरह मिलेगा, ठीक है। अगर आपके एरिया में इंटरनेट की दिक्कत है, मतलब स्लो इंटरनेट है या इंटरनेट की सुविधा अच्छे से नहीं है, ठीक है, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव कोर्स में क्या होगा, आप इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में लगा के आप पूरा कोर्स देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव में भी आपको ये सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है कि ऑनलाइन है या पेन ड्राइव है, आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ साइड ए, देन इट्स ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और साइड की लेंथ क्या दी है, ए, ठीक है, साइड की लेंथ क्या दी है, ए। हमें क्या बताना है, ऑल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जो सामने वाले वर्टेक्स से, ठीक है, साइड पे आता है और 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, कितना बनाता है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये साइड ए हो गई, ये भी साइड ए हो गई, ठीक है। अब ये जो ऑल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सामने वाली साइड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू यहाँ पे, और ये भी कितना हो जाएगा, ए बाई टू, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी, ठीक है, तो इसमें से हम ये वाला पार्ट देखते हैं, कौन से वाला, ये ए, ये सी और ये डी, और ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें ये तो हो गया ए, ये कितना हो गया, ए बाई टू, और ये ए डी क्या है, ये ऑल्टीट्यूड है, इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड ये एसी जो है, ये क्या है, एक हाइपोटेनियस है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। एसी स्क्वायर, एसी क्या है, ए है, तो एसी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, हमें निकालनी है तो ए डी स्क्वायर, और प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी क्या है, ए अपॉन टू का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, ये इधर प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे फोर, ये क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यहाँ से ए डी क्या आएगा, ए डी आएगा अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट थ्री तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर में से क्या आ जाएगा, ए बाहर आएगा, ठीक है, और अपॉन फोर का अंडर रूट क्या आएगा, टू, तो ये क्या आ गया, रूट थ्री ए बाई टू। तो ऑल्टीट्यूड की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, रूट थ्री ए बाई टू, तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फाइव एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू टेन, ठीक है, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। दिया क्या है हमें, ए प्लस बी प्लस सी फाइव दिया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या दिया है, टेन, ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, ये क्या होता है इसका, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है ये। ठीक है, अब इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया गया है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फाइव है, इसमें क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी और प्लस टू ए सी इज इक्वल टू 25। फाइव स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसमें से क्या ले लेंगे हम इन तीनों में से टू कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 25। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, तो इसकी जगह 10 लिख देते हैं इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 माइनस 20। ठीक है, 2 इंटू 10 क्या होगा 20, और इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20 क्या आएगा 5। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 लिख ली। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, ये भी 5 लिख ली। यहाँ से क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये बचेगा हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना है 10, तो ये 10 ले लिया। ठीक है, यहाँ से आएगा 5 इंटू 5 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 5, और 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 क्या होगा माइनस 25। तो आंसर क्या होगा हमारा ए ऑप्शन माइनस 25। नेक्स्ट हमारे पास है ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 2 है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं हम, ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू क्या है 2, इसमें क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा बी ए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बी, इसको बी से बी ए को बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा ए, और ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस है, फिर बी ए को ए से डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा, बी इंटू बी क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 2ab। ठीक है, बी ए को ए बी लिख लो, एक ही बात है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर माइनस में आ जाएगा माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 0। अब हमें निकालना क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया था a माइनस बी, हमारे पास 0 आ गया, तो a माइनस बी क्या आ गया 0, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जीरो से किसी कुछ भी हो, जीरो से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो आंसर क्या होगा हमारा सी ऑप्शन 0। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ 3√3x³ - 8 इज, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन बताना है। अभी हमने पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 3√3x³ - 8। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3x³ और माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 2³। ठीक है, 2³ क्या होगा 2 × 2 × 2 = 8 ही आएगा। ठीक है, अब इसको देखो √3x³ क्यों लिखा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं √3x × √3x × √3x क्या आएगा हमारे पास x x x, तीन बार x मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया x³। ठीक है,
रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री क्या बनेगा, रूट 27, ठीक है, क्योंकि रूट थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री आ जाएगा रूट के अंदर, थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा 27, रूट 27 बना, ठीक है। 27 क्या है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो दो थ्री तो बाहर आ जाएंगे, एक थ्री अंदर रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, थ्री रूट थ्री, तो ये आ जाएगा थ्री रूट थ्री। इसलिए हमने क्या किया, थ्री रूट थ्री एक्स क्यूब को क्या लिख लिया, रूट थ्री एक्स का क्यूब माइनस टू का क्यूब, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, जिसमें ए क्या है, ये रूट थ्री एक्स, और बी क्या है, टू, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें ए और बी की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट थ्री एक्स माइनस टू इंटू रूट थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस टू इंटू रूट थ्री एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स इंटू टू क्या आएगा, टू रूट थ्री एक्स प्लस टू का स्क्वायर क्या आएगा, फोर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट थ्री एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन थ्रोइंग टू डाइस साइमल्टेनियसली, ठीक है। डाइस आपने देखा होगा, लूडो खेलते हैं, ठीक है, लूडो में क्या फेंकते हैं, डाइस, ठीक है, डाइस होता है जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, ठीक है। तो हमने दो डाइस को एक साथ फेंका, तो हमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताने कि कितने टोटल आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो डाइस हैं, मान लीजिए एक डाइस ये है और एक डाइस ये है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको ए डाइस, इसको बी डाइस, ठीक है। मान लीजिए ए डाइस पे वन आया, ठीक है, तो बी पे भी मान लीजिए वन आ गया, एक पॉसिबिलिटी। फिर ए डाइस पे वन आया लेकिन बी पे क्या आ गया, टू, दूसरी पॉसिबिलिटी। ऐसे ही ए पे वन आया और बी पे थ्री आ गया, ऐसे ही अगर ए पे वन आया और बी पे क्या आ सकता है, फोर भी आ सकता है। ऐसे ही ए पे वन आया और बी पे फाइव आ गया, ऐसे ही ए पे वन आया और बी पे सिक्स आ गया, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन गई। फिर मान लीजिए ए पे टू आ गया तो बी पे क्या आ सकता है, वन आ सकता है। ए पे टू आया तो बी पे टू भी आ सकता है, ए पे टू आया तो बी पे थ्री भी आ सकता है, ए पे टू आया तो बी पे फोर भी आ सकता है, ऐसे ही ए पे टू आया तो बी पे फाइव भी आ सकता है, और ए पे टू आया तो बी पे सिक्स भी आ सकता है, ठीक है। फिर अगली पॉसिबिलिटी मान लीजिए ए के ऊपर थ्री आ गया तो भी बी के ऊपर क्या आ सकता है, वन, ऐसे ही थ्री टू, ऐसे ही थ्री थ्री, ऐसे ही थ्री फोर, ऐसे ही थ्री फाइव, और ऐसे ही थ्री सिक्स। फिर मान लीजिए ए के ऊपर फोर आ गया तो बी के ऊपर वन, फिर ऐसे ही फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, और फोर सिक्स। फिर मान लीजिए ए के ऊपर क्या आ गया, फाइव, तो फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, और फाइव सिक्स। फिर ऐसे ही सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, और सिक्स सिक्स, ठीक है। तो ये टोटल कितने आ गए, 36 आ गए, ठीक है, इनको काउंट कर सकते हैं। तो कितने आउटकम है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कितने हैं, सिक्स, ये भी सिक्स, ये भी सिक्स, ये भी सिक्स, और ये भी सिक्स, और ये भी सिक्स, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल ऐड करेंगे, तो ये हो जाएंगे 36। तो इसका मतलब दो डाइस को अगर हम एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स हैं टोटल, 36। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन, 36। If you understood and liked our video, then please hit the like button and share this video with your friends. Also subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. This bell icon, okay? So you never miss an update. In case of any queries, you can contact us on these numbers. These three numbers, 7088-27111, okay? You can replace 111 by 222 or 333. Okay. Thanks for watching and I will see you in the next one.